Hi guys, assalamu alaikum. This is me, Unaif Khan, and welcome back to my finally YouTube channel. आज का सीन कुछ ऐसा है कि पहले का बताऊं कि मैंने चैलेंज किया था आप लोगों से 30 डेज का और वो मुझसे नहीं हो सका क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। कल जाके मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, तो मैंने फिर भी कल भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा गला इतना ख़राब था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एक बार मेरी पहले भी आवाज़ ख़राब हुई थी, उसी तरह इस बार फिर हो गई थी। तो बस आज मैं जा रहा था, एहसन को बुलाया, मैंने बोला चलो आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आज से हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं जा रहा था अभी सदर और हम जा रहे थे लोकल मार्केट शूज़ के, जहाँ से मैं हमेशा शूज़ लेता हूँ, काफ़ी सारे मेरे पास शूज़ हैं। तो मैंने सोचा चलो आज वहाँ चलते हैं और फिर से एक जगह दिखाते हैं शूज़ की, क्योंकि लड़कों को बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं जगहें। निकलते हैं ऐसा आगे और मिलते हैं आगे। भाई निकलने से पहले मैं आपको एक बंदे से मिलाऊंगा, वो जो एक हमेशा से लेट होता है, आपको पता ही होगा 7 बजे से हमारी बात हो गई थी, आ रहा हूँ और बंदा है 8:30 बजे के टाइम पर और मुंह छुपा लेता हाथे के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चला जा, मैं तेरे मुंह पे चमाट लगा सलाम भी नहीं करा। सलाम वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई के साथ मेरा वाला फोन वाला सीन हुआ है। कितना दर्द होता है ना। कहाँ जा रहे हैं? सदर। तो बस अभी चलते हैं और मिलते हैं आगे। सदर जाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ATM, क्योंकि सदर में कैश वाला काम होता है सारा, तो हमें पहले ATM करना होगा, सिपा दम जाएंगे और ATM हम आगे करते हैं और चलते हैं। ये पहुँच गए हम सदर की मार्केट के अंदर शूज़ की, आगे गली दिखेगी, ये कॉलर बात कर रहा है और इधर आगे चलते हैं मार्केट दिखाते हैं आपको, फिर दिखाएंगे हम शूज़ कहाँ से लेते हैं और कौन से लेते हैं। पिछले अगर बाइक की पार्किंग नहीं मिली तो फिर गाड़ी में आके तो आपने फंसी जाना है कि हसन भाई। ये देखिए भाई, अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और अब हम गली ढूंढने जैसे हम लेते हैं वो गली पीछे चले गए, वापस जा रहे हैं और चलते हैं जरा गली में चल के आपको दिखाते हैं आगे। तो भाई ये देखें, ये हम पहुँच गए हैं और जहाँ से हम लेते हैं पहले वहाँ चलते हैं। भाई यहाँ तो पूरी वो लगी हुई है, मार्केट में है तो मार्केट ही लगी होगी। यहाँ से हम लेते हैं शूज़ और पहुँच गए हम। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? भाई अभी हम दुकान से ओपन आए गोदाम के अंदर और इनके गोदाम से हम सारी शूज़ देखेंगे पहले, क्योंकि थोड़े से हमें अच्छे वाले चाहिए, बिल्कुल नए नए जो आए हों। तो अभी आए हम गोदाम में, थोड़े से शूज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ से लेकर हर जगह भरे हुए और अब बस आओ थोड़े से शूज़ की अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे शूज़ हैं, हम कौन से लेते हैं और कितने में क्या क्या होता है, सब आपको दिखाएंगे। तो भाई ये तो हमने निकाले हैं थोड़े से शूज़ और ऐसे से और निकालते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ तो पूरी ऐसा भाई जन्नत है शूज़ों की, शूज़ की जन्नत है यहाँ। स्टॉक लॉट ओके भाई, ज़रा तो ऐसा भाई अनबॉक्सिंग करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, तो पसंद आता है हम लेते रहेंगे। पहले क्या क्या पसंद किया? लेकिन ये बहुत कॉमन हो गया, ये बहुत कॉमन हो गया। हाँ ये चलो नेक्स्ट निकालो। एक ना मोटे सोल वाला शूज़ निकालना, वो जो नीचे से मोटा सोल होता ना, फैशन वाला। हाँ ये वाला था शायद, वाइट मेरे पास, वाइट में है, ये वाइट में निकालना जरा। हाँ अभी तो ये वाला पसंद आया था ना सर। एक ये भी अच्छा, चलो जो अच्छे लग रहे फाइट में करते, इसमें वाइट कलर में दिखता ना सही, तो ब्लैक लेने भाई लड़ क्यों रहा है यार। निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो साइड पर करते रहेंगे वो लेते रहेंगे। उसका कलर है ये ब्लैक वाले का। हाँ भाई देखते हैं कि हमें कौन सा पसंद आता है, कौन सा लेते हैं ये तो देखना ही। ये वाला कुछ अलग लग रहा है असल भाई, हाँ पैकिंग से जॉर्डन डाइवर्स मेकर्स। ओहो नाइस वन। चलो भाई एक तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, ये वाला चेक करते हैं और फिर आगे देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। ये तो लेना ही है। इस शूज के अंदर बड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसके 3 कलर हैं और हमारा दिल पता नहीं क्यों सिर्फ व्हाइट पे जाता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? व्हाइट चलो व्हाइट में इसमें ले लेंगे, ब्लैक कलर में किसी और में ले लेंगे। वैसे भी हमें 3-3 शूज तो लेने हैं, ऑलमोस्ट इतने इतने तो लेंगे। तो ये वाला व्हाइट कैमल भी अच्छा लग रहा है वैसे, कैमल है मेरे पास फिर ठीक है, चलिए तुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बोलू मैं। यहाँ से ले लिए दो शूज़, यहाँ से हमने ले लिए दो, ये वैसे पर्पल कलर का सिर्फ धोती लगी हुई और ये हमने ले लिए दो शूज़ यहाँ से, बाकी हम लेंगे इनके दूसरे गोदाम से। क्यों मेरे एक शूज़ से पसंद आया और मैं आपको उसको दिखाता हूँ। भाई ये देखें इसका एक
इसकी जिप खोलना नहीं खोल नहीं खोल दे खुलती है नहीं खुल रही यार एहसन भाई क्या तुमसे जिप नहीं खुल रही यार एक ट्राउजर पहनना छोड़ दो यार चलो भाई पैसे रख पैसे रख पैसे रख छुपा दे यार ये वाला बहुत पसंद आया और विदाउट लेसेस खरी कर किसी को कोई चीज छुपानी हो तो ये जगह अच्छी है ये जगह अच्छी है यहाँ पे क्या छुप सकता है बहुत कुछ चलो एक ये शूज पसंद आ गया ठीक है भाई और कितने शूज हो गए हमारे 3 शूज हो गए बाकी और देखते हैं फाइनल कर देना इसको ओके भाई अब जाके मुझे आया तीसरा शूज पसंद ऐसा तो ऐसे घूम रहा है मुझे लग रहा है ऐसा कोई शूज देखने नहीं एक ही लिया अभी तक मैं इसका ब्लैक और एक ये वाला पसंद आया मुझे भाई और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट से थोड़ा डिफरेंट हट के थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं और अच्छा लग रहा है सन बेहतरीन चलो भाई डाडू मजा आयो डाडू मजा चलो ये वाला फाइनल करते हैं और फिर ऐसा की शूज पर आसन 3 हमारे हो गए उसके बाद देखते हैं कि और लेने हैं या नहीं लेने अगर लेने होंगे तो ले लेंगे तो भाई एक ऐसन का ये वाला डन हो चुका है ठीक है उन्हीं से हमने ऊपर डन कर दिया था लेकिन ऐसन ने नीचे आके डन किया और एक ऐसन उस पर भी मिल गया ब्लैक और ये भी खैर बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी सी पैंट चेंज हो जाएगी ना तो ऐसन भाई अलग ही उड़ते हुए जाएंगे और चलो भाई डन हो गए हमारे और एक और लेना है नहीं बस 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 काफी हो गए 6 शूज हो गए हमारे और तो भाई ये शूज हमारे हो गए डन सारे ठीक है 6 शूज हमने ले लिए हैं और पैसे वैसे हमने दे दिए हैं ऐसे भाई के और अब बस हम लोग यहाँ से शूज फाइनल हो गए काफी देर से हम पैसों पे लड़ रहे थे वो बहस हमारी खत्म हो चुकी है तो भाई आप लोगों ने अगर इनसे ऑनलाइन शूज भी मंगाना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा और अगर ऑनलाइन पेज भी दूंगा सब चीजें दूंगा आप भी मंगवा सकते हैं ये वाले नहीं इनके अलावा बहुत सारे शूज हैं सब चीजें मैं टैग करूंगा और नियाज़ी भाई का नंबर भी दूंगा फाइनल करते हो निकलते हैं क्यों भाई हाँ भाई फाइनल करने दो फाइनल थोड़ा सा काफ़ी देर से भाई लड़ाई हो रही है ठीक है और उसके बाद इंशाल्लाह हम निकलते हैं और भाई अगर आपने ऑनलाइन मंगाना तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और मंगा लीजिए ठीक है और हम निकलते हैं बस अब भाई ले लिए हमने 6-7 शूज़ और 6 शूज़ ले लिए हमने और अब बस निकलते हैं यहाँ से भाई यहाँ पर इधर भाई इधर है अच्छा यहाँ अंदर आए थे मुझे लगा बाहर खड़ी हुए चलो भाई तो बस सब निकलते हैं और थोड़ा सा कुछ खाते हुए निकलेंगे फ्राइड चिकन खाते हैं और बस वहाँ से निकलेंगे घर और फिर मिलते हैं आगे भाई सदर के बाद अब हम आए डायरेक्ट कुछ खाने के लिए वो आए हम गौसिया बहुत भूख लग रही है चल भाई अब चलते चरवा खाते हैं भाई भूख कैसी लग रही है इस टाइम पे हमने मंगवाया क्या फिर 2 बंदों के लिए फुल चरगा होता है लेकिन हम खा लेंगे हमें ज्यादा क्योंकि हमने दोपहर से कुछ नहीं खाया तो वैसे गौसिया के चरगे की बहुत तारीफ सुनी हुई है मैंने 1.5-2 साल पहले गया था लास्ट टाइम बहुत अच्छा था तो आज हम फिर ट्राई कर रहे हैं हुसैनाबाद वाला फिर अब खाते हैं और दिखाते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने मंगवाया ना पराठे आ जाए वैसे हाथ से खाने वाली चीजें पराठे से प्लेस करेंगे ठीक है प्लेट और बस खाते हैं एक चरखा इतना चटपटा ऊपर से इनका मसाला इससे भी चटपटा कि इतना फ्रेश हो रहा है भाई खाते हैं पराठे नहीं आ रहे तेरे यहाँ तो भाई जिस हिसाब से मैं मंगवाया था हमें नहीं लग रहा था खत्म होगा लेकिन जिस तरह के भूखे थे ना उस तरह तो मेरे ख्याल से एक और खत्म कर लेते हैं लग रहा है इससे बढ़िया बचाई हमने ऐसा मैंने तो प्राइस भी खत्म कर दिया ऐसा ये भी प्राइस खा लो खा ले खाओ 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 प्राइस खाओ बाकी हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई पाकुला और बस खा लिया है वहाँ निकलते हैं आगे बाहर निकल के आपको रिव्यू देते हैं भाई अब ले रहा हूँ मम्मा के लिए पर्स लेकिन थोड़ा सा और बड़ा मम्मा कहती है कि ले आया करो तो ये भाई यहाँ का चलगा और इतना सारा सामान लेके मैं घूम रहा हूँ और ऐसा मैंने भेज दिया है और अब मैं आया हूँ फाइनली एक टेक्सास चिकन लेने के लिए आखिरी मम्मा के लिए भी लेना है और बस यहाँ से लेते हैं और फिर निकलते हैं घर तो बस अब मैं घर पहुँचा हूँ और बस ऊपर चलते हैं और चेंज वेंज करने के फिर मुझे भाई के साथ निकलना है थोड़ा सा तो बस आगे का सीन देखते हैं क्या है और चरखा भी ठंडा हो गया आगे चलते हैं